नमस्कार दोस्तों सी यू ई टी की जो फॉर्म थी या फिर डेट थी वो एक्सटेंड हो चुकी है जो कि पहले ट्वेंटी फोर थी लास्ट डेट भरने के लिए पी जी की बात कर रहा हूँ और अब वो थर्टी फर्स्ट हो चुकी है जिसके कारण अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं सो so, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा दोस्तों कि वो फॉर्म आप भर दीजिए क्योंकि फिर इसके इसके बाद लेट हो जाएगा लेकिन आई जस्ट होप कि आप सब ने अभी तक फॉर्म फिल कर दिया होगा कुछ एडिट आपने करना है वो कर लिया होगा फ़ी पे कर दी होगी क्योंकि विदाउट फी पेमेंट हम जो है वो हमारा जो फॉर्म है वो नहीं कंप्लीट माना जाएगा सो so, ये सब चीज़ें प्रोसेस कर दिया होगा बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों को लेके फैकल्टी ऑफ लॉ को लेके यूनिवर्सिटी ऑफ डेली को लेके तीन सेंटर्स को लेके जैसे लॉ सेंटर वन लॉ सेंटर टू कैंपस लॉ सेंटर और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ सेंटर वन लॉ सेंटर टू और कैंपस लॉ सेंटर क्या सीएलसी सबसे टॉप पे है क्या कुछ इन तीनों कॉलेजेस में डिफरेंस आएगा या फिर क्या क्या डिफरेंस है क्या क्या नहीं डिफरेंस है इस वीडियो के थ्रू मैं सब आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल ही वैलिड पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों जो जो प्रैक्टिकली मैंने फील किए हैं खुद रह के फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी में डेली मैं फाइनल uh, मेरा फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट टू लॉ फैकल्टी का मैं सो so, जो मैंने खुद फील किए हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के जरूर बताने की कोशिश करूंगा पहले चीज़ आप एक चीज समझ लें दोस्तों कि जब हम डी यू की बात करते हैं डी यू एल एल बी की बात करते हैं तो तीन सेंटर्स हैं आप जानते हैं एल सी वन मैं आपको अभी पूरा सब कुछ क्लियर करूँगा एल सी टू और कैंपस लॉ सेंटर जिसे सी एल सी भी कहा जाता है दोस्तों ये जो एल सी वन है ना ये इसकी टाइमिंग जो है वो इवनिंग दो से लेके आठ बजे तक है जिसका मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और मतलब लिटरली आठ बजे तक क्लासेस नहीं चलती आप मोस्ट प्रोबेबली सिक्स थर्टी सेवन तक फ्री हो जाते हैं सो so, यहाँ पे मैं पीएम एम लिखता दो से लेके आठ बजे तक आपकी क्लासेस एल सी वन में एल सी टू की जो टाइमिंग एट से लेकर दो बजे तक एल सी टू की आफ्टरनून तक भी क्लासेस चल सकती हैं इसका एक अपना टाइम है इसमें कुछ ऐसे एक बाउंडेशन नहीं है दोस्तों देखो एक चीज समझो कि लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू की जो बिल्डिंग्स है ना वो सेम है उमंग भवन मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ दोनों में सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है देखो ये जो बिल्डिंग है ना जिसके ऊपर फैकल्टी ऑफ लॉ लिखा ये है उमंग भवन है मतलब जिसे हम न्यू बिल्डिंग भी कहते हैं ये न्यू बिल्डिंग एल सी वन की भी यही बिल्डिंग है एल सी टू की भी यही बिल्डिंग है मतलब इसी बिल्डिंग में मॉर्निंग में एल सी टू चलता है इसी बिल्डिंग में इवनिंग में एल सी वन चलता है ऐसा ऐसी बात नहीं है कि इवनिंग में एल सी टू के बच्चे इस इसमें एंटर नहीं कर सकते या मॉर्निंग में एल सी वन के बच्चे आ नहीं सकते सिर्फ क्लासेस की बात कर रहा हूँ कि जो टीचर्स कंडक्ट करते हैं एल सी टू की जो टीचर्स हैं एल सी टू के टीचर्स हैं वो मॉर्निंग में इसी बिल्डिंग में उमंग भवन में क्लासेस कंडक्ट करते हैं एल सी वन के जो टीचर्स हैं वो इसी बिल्डिंग में इवनिंग में मतलब दो से लेके आठ बजे तक किसके टाइम पीरियड में जब भी आपका टाइम टेबल है वो इसी बिल्डिंग में क्लासेस कंडक्ट करते हैं फिलहाल जो आप फोटो देख रहे हैं ये उसकी बैक साइड है अंदर से अंदर से ये बिल्डिंग ऐसी दिखती है ऐसी ही हॉलवेज हैं क्लासेज हैं बहुत अच्छे क्लासेस हैं नई नई पूरी नई बिल्डिंग है और आपको हर चीज जो है वो इसमें मिल जाएगी सो आप एक चीज समझ गए होंगे कि एल सी वन और एल सी टू की जो बिल्डिंग है वो एग्जैक्टली exactly सेम है और वहीं पे जहां पे एल सी वन है वही एल सी टू है बस टाइमिंग्स का डिफरेंस है सी एल सी की अपनी एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है इन, इसी उमंग भवन के बिल्कुल पास वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सी एल सी की अपनी एक बिल्डिंग है ये एंट्रेंस है सी एल सी की यहाँ से अंदर जाके दोस्तों ये बिल्डिंग जो है ना ये ओल्ड बिल्डिंग है पुरानी बिल्डिंग है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना है इसकी हर चीज़ जो है वो पुरानी है लेकिन कैंपस लॉ सेंटर का नाम बहुत ज़्यादा है वो भी मैं डिस्कस करूँगा आगे वीडियो में क्यों कि क्यों कैंपस लॉ सेंटर को बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या बहुत नाम क्यों है वो सब भी मैं डिस्कस करूँगा लेकिन एक थोड़े से की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ जो आपको पता होने चाहिए जैसे कि आप आउट ऑफ दिल्ली अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं और दिल्ली में आएंगे तो दोस्तों सीधी सी बात है या तो आप ट्राई करेंगे कि आप इसके आसपास जैसे Uh, यहाँ पर मैं मार्ग कर देता हूँ ये आपकी लॉ फैकल्टी है ठीक है तो आप ट्राई करेंगे कि यहाँ तो इस सारे एरिया में आप कहीं घर ले लें जो कि बहुत मुश्किल होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप लेने भी जाएं तो बहुत कॉस्टली होगा जो कि हर बच्चे नहीं ले सकते दूसरी बात ये दोस्तों बहुत ही uh, आपको खराब इन्वायरमेंट मिलेगा उतना हाइजीनिक नहीं मिलेगा खाना खराब मिलेगा इसलिए मैंने क्या किया था मैं अपना पर्सनल आपको बस बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा दूर रह रहा था मैं हर रोज़ मेट्रो से ट्रैवल करता था क्योंकि मुझे कन्वीनियंट लगता था जस्ट मेट्रो पकड़नी है उतर जाना है और मैं दूर रहता था उससे मेरा फ़ायदा फा, फा, क्या होता था कि दोस्तों कम बजट में मुझे चीज़ें फैसिलिटी ज़्यादा मिलती थी जैसे खाना अच्छा कह लो इन्वायरमेंट अच्छा कह लो हाइजीनिक कह लो जगह ज़्यादा कह लो तो उस वो वो क्यों कैस क्यों मैंने ऐसा किया सिर्फ मुझे ये था कि मैं हर रोज़ ट्रैवल कर सकता हूँ हाफ एन आवर दिल्ली में कुछ भी नहीं है इनफैक्ट fact... बच्चे वन आर बी ट्रैवल करके बहुत इजीली आ जाते हैं कोई प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन यह है कि जहाँ रहना है जहाँ खाना है या कुछ भी करना है वो अच्छा होना चाहिए इसीलिए मैंने क्या किया मैं घर दूर रहता था और लेकिन मैंने चूज़ ये किया कि मेरे कम बजट में मुझे ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ सो अगर आप डेली में आएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर ना लाइन्स होती हैं मेट्रो लाइन्स जैसे येलो लाइन हो गया ब्लू लाइन हो गया जैसे ब्लू लाइन का मतलब ये है कि अगर आप आप एक पर्टिकुलर स्टॉप्स होते हैं राजीव चौक के एक स्टॉप है तो वो ब्लू लाइन के ऊपर आता है जहां पे सीपी है तो ऐसी इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं मेट्रो स्टेशन हैं वो एक लाइन के ऊपर डेडिकेटेड होते हैं हर लाइन पे अलग अलग स्टेशन होते हैं मेट्रो के तो ऐसी जो अपना विश्वविद्यालय ये मार्क कर रहा हूं यहाँ पे मैप पे अपना जो स्टेशन होगा ना जब जहां से आपने लॉ फैकल्टी आना है वो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन होगा जो कि येलो लाइन पर आता है दोस्तों ठीक है तो येलो लाइन पर आप हर रोज़ ट्रैवल करेंगे सो so, ट्राई करना है कि अगर आपको येलो लाइन पर ही घर मिल जाए उसका फायदा क्या होगा कि आप यहीं पर येलो लाइन पर ही बैठेंगे और येलो लाइन पर उतर जाएंगे लाइन चेंज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा लाइन चेंज में टाइम वेस्ट हो जाता है और इससे अगला स्टॉप जो वो है वो जी स्टॉप है यहाँ कहीं आता है जी स्टॉप वो बहुत ही क्राउडेड एरिया है तो वहाँ पे घर आप बहुत कॉस्टली मिलेंगे और मिलते भी नहीं है so सो आपका रास्ता कहीं रहने वाला है हर रोज़ का यहाँ से आप विश्वविद्यालय से जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे ये आप यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से सीधा सीधा आएंगे अब एक चीज़ समझो दोस्तों जो आपकी जो मैंने आपको अभी कहा उमंग भवन न्यू बिल्डिंग एल वन और एल टू की बिल्डिंग वो यहाँ पर इस जगह पर ठीक है जहां पे मैंने अभी मार्क किया यहीं से अंदर से ही वॉकिंग डिस्टेंस है अगर आप सीएलसी आना चाहते हैं ये जो है वो सीएलसी है ठीक है यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस है नहीं तो बाय रोड इधर आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं अंदर से भी डिस्टेंस है हार्डली हार्डली पांच छह मिनट लगते हैं अंदर से आने तो सो बच्चे आसपास इधर से उधर इधर से इधर करते रहते हैं ये बीच में आर्ट्स फैकल्टी पड़ती है मेन जो आर्ट्स फैक है की, वो, बीच में वो है ये एल सी वन है ये सी एल सी है दोनों का वॉकिंग डिस्टेंस है बीच में से भी और बाहर से भी बाहर भी, बाहर से भी भी से आ सकते हैं यहां से विश्वविद्यालय से अगर आप ऑटो लेना चाहते हैं तो दस पंद्रह रुपए में वो बैटरी वाले रिक्शा चलते हैं वो सीधा आपको यहां उतर जाएंगे अगर आपको सी आना है तो आप उन्हें कहेंगे ओल्ड बिल्डिंग जाना है अगर आपको यहाँ पे एल सी आना है तो आप कहेंगे न्यू बिल्डिंग आना ठीक है दोस्तों ये की पॉइंट्स डिस्कस कर लो आपके साथ जो प्रैक्टिकली आपको काम आने वाले हैं और जो मैं बोल रहा हूं ये आपको सच में तब काम भी आएगा जब आप आप लॉ फैकल्टी में एडमिशन ले, ले लेंगे और आप आएंगे तो तब आपको ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं तो ये तो मैंने आपको रास्ता बता दिया वे बता दिया कैसे आपको आना है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन आपने उतरना है ठीक है येलो लाइन पे है उसके बाद आपको न्यू अगर एल सी वन जाना है जो कि बिल्डिंग एक ही है मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ बिल्डिंग यही है दोस्तों यही सेम बिल्डिंग है ये एल सी वन की बिल्डिंग है यही एलसी टू की बिल्डिंग है सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है और अगर सी एल सी आना है तो फिर आपको कहना है ओल्ड बिल्डिंग आना अब मेजर डिफरेंस की डिफरेंसिस की बात कर लेते हैं इनमें है क्या दोस्तों एक चीज याद रखो सी एल सी जो थी ना वो ओल्ड बिल्डिंग थी सबसे पहले जो एक कॉलेज बना डी यू का लॉ का कॉलेज बना वो सी एल सी बना कैंपस लॉ सेंटर इसीलिए मैंने कहा कि ये जो कॉलेज है ये बहुत ओल्ड है बेंचेस इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ बहुत पुरानी है क्लासेस भी बहुत पुरानी है और ये तो बहुत न्यू है जैसे आप आके देखेंगे आप या फिर आप मेरे व्लॉग्स में भी देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर ऐसे बहुत व्लॉग्स पड़े हैं जिसमें मैंने पूरा फैकल्टी ऑफ लॉ को बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया हर चीज़ डिस्कस की है कि कैसे आप कर सकते हैं कैसे नहीं मेरी चैनल के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा सो so, आप वहाँ देखें वीडियोज़ ताकि आप अवेयर हो कि आपको करना क्या कैसे करना सो सी एल ना एक ओल्ड बिल्डिंग है मतलब जो पहला कॉलेज बना फर्स्ट डी का वो सी बना पहले ये सब नहीं था ये दोनों नहीं थे या आउ, बाद में बने वो भी आउट कैंपस पहले बने सो सी एल का ना शुरू से ही क्रेज़ था पहली वो इसलिए क्योंकि ये तो पहला कॉलेज था दूसरी बात ये जितने भी अपने बड़े बड़े जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो भी यहीं से पढ़े हैं क्योंकि कॉलेज ही पहले ये था और यही नॉर्थ कैंपस में कॉलेज था मेन फैक में मतलब मेन नॉर्थ कैंपस में यही सीएलसी ही होता था इसीलिए इसका क्रेज़ हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा और इसके इसकी जो लोग कह लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक रहा कि हमें सीएलसी जाना सी एल जाना सी एल जाना इसलिए इस सीएलसी की बहुत ज़्यादा एक तरह की रेपुटेशन कह लो या कुछ कह लो या बच्चों के अंदर एक हाइप है देखो पढ़ाई की बात करूँ ना तो तीनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है इनफैक्ट टीचर्स भी शफल होते रहते हैं तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है बहुत सारे मेरे ही फ्रेंड्स हैं सी एल सी के जो एल सी वन में क्लासेस लेते हैं एल सी वन के स्टूडेंट्स का भी सी एल सी में क्लासेस ले लेते हैं जो टीचर उन्हें पसंद आए वो तो वहाँ से क्लासेस ले लेते हैं मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि पढ़ाई में कुछ फ़र्क नहीं आना क्या डिग्री में फ़र्क आएगा कि जब हमें थ्री ईयर थ्री ईयर बाद हमें जो डिग्री मिलेगी लॉ की क्या उसमें फ़र्क आएगा दोस्तों उसके ऊपर ना एक, एक वर्ड लिखा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ डेली बस कहा से आपने डिग्री की है कैंपस लॉ सेंटर से किया है लॉ सेंटर से किया लॉ सेंटर टू से किया है कोई फर्क नहीं पड़ना ना उसके ऊपर होगा ना कुछ और होगा डिग्री के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ डेली लिखा जाएगा तीनों की डिग्री एग्जैक्टली सेम मिलेगी आपको अब फर्क एक्चुअल है कहां मैं आपको वो भी बताता हूँ प्रैक्टिकल तरीकों से बताता हूँ देखो पढ़ाई में मैंने आपको बता दिया तीनों में कोई फर्क नहीं है टाइमिंग्स में फ़र्क है एक तो टाइमिंग्स में डिफरेंस है अगर आपको ये टाइमिंग सूट करती है तो ये ले लो देखो बहुत मज़ेदार ये टाइमिंग है कहीं ऐसा ना सोच लेना कि हमने कभी इवनिंग कॉलेज अटेंड किया नहीं है तो यार कैसा रहने वाला है हमें पता नहीं क्या यहाँ पे सब वर्किंग लोग ही आते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये टाइमिंग्स में बहुत मज़ा आता है मेरी व्लॉग्स में जैसे आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये टाइमिंग्स में अलग ही एक मज़ा है और बिल्कुल भी ऐसे डिफरेंट नहीं लगता है देखो दो बजे से भी अगर क्लासेस है ना तो आप ट्राई करोगे कि बारह बजे तक आप पहुंच जाओ या फिर एक बजे तक पहुंच जाओ और एक बजे तो जस्ट मॉर्निंग यह कोई बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं आराम से आप बारह एक बजे तक आएंगे और शाम को छः बजे जाएंगे तो इतना ही बस हुआ और यहाँ पे क्या यहाँ पे सुबह आप आठ बजे आपको रिपोर्ट करना होगा और दो तीन बजे तक आप फ्री हो जाएंगे अगर आपको ये टाइमिंग सूट कर ली तो एल सी टू फिल कर देना अपने प्रेफरेंस में अगर आपको ये टाइमिंग सूट कर रही है तो एल सी कर देना लेकिन और इनके अलावा क्या डिफरेंस है टाइमिंग की तो चलो हमने बात कर ली इनके अलावा और क्या डिफरेंस है देखो मैंने बता दिया डिग्री भी एक जैसी है डिग्री भी, भी वही मिलनी है यूनिवर्सिटी ऑफ डेली की मैंने बता दिया कि यार पढ़ाई भी एक जैसी है लेकिन जिसमें थोड़ा सा फर्क आता है ना दोस्तों वो आता है सोसाइटीज में इसमें मैं मानता इसमें मैं मानता हूं दोस्तों कि थोड़ी सी एक्टिवेशन जो एक्टिव सोसाइटीज हैं वो सी एल सी की ज्यादा है एज कंपेयर टू एल सी वन एल सी टू की भी एक्टिव है मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन सबसे अगर मुझे रैंक करना हो तो मैं सबसे टॉप पे रखूँगा सोसाइटीज़ को लेके पार्टिसिपेशन को लेके वो सी एल सी फिर हल्की सी उससे नीचे एल सी टू और फिर एल सी वन सिर्फ और सिर्फ सोसाइटीज़ का ही ज़्यादा डिफरेंस है एल सी वन की सोसाइटीज़ उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितनी सी एल सी की हैं जैसे इवेंट्स और फेस्ट थोड़े से सी एल सी में ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एल सी वन ये एक मेजर डिफरेंस है सिर्फ इन तीनों में और मुझे तीन साल हो चुके हैं दोस्तों कंप्लीट होने वाले हैं मेरे पूरे तीन साल लॉ फैकल्टी में डी में देखो इनके अलावा मुझे कुछ भी इनमें डिफरेंस नहीं दिखा देखो पढ़ाई वही होनी है पेपर्स वही होने हैं टीचर्स वही हैं डिग्री वही मिलनी है सिर्फ और सिर्फ एक टाइमिंग का डिफरेंस आएगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस मैं बता ही दिया है सीएलसी पुरानी बिल्डिंग है एल सी एल सी वन और एल सी टू की जो बिल्डिंग है भवन बहुत ही नई है लिफ्ट लगी हैं बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स हैं सी एल सी में ऐसा नहीं सी एल सी में जैसे आप एंट्री भी करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है काफ़ी पुराने डेस्क हैं काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, सो so, ये एक बड़ा डिफरेंस है सी एल सी वन और एल टू में और इनके अलावा जो एक छोटा सा और मतलब इनके अलावा जो एक डिफरेंस आने वाला है वो सिर्फ एक सोसाइटीज की एक्टिवेशन में है कि CLC की सी की थोड़ी सी सोसाइटीज एक्टिव है ज़्यादा एल सी टू की उसके बाद सी एल सी वन की उसके उसके बाद सो so, सिर्फ इतना डिफरेंस है और तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है जब भी प्रेफरेंस भरने का आए तो दोस्तों जहाँ भी मैं तो आपको यही कहूँगा कि देखो अगर आपको एल आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है वेली एंड गुड अगर आपको एल अगर आपकी सी फर्स्ट प्रेफरेंस है एल भी आपको एडमिशन मिलता तो बहुत अच्छा दोस्तों मैंने अपने टाइम पे एल सी वन को मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी सी एल सी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं थी मेरी एल सी वन ही फर्स्ट प्रायोरिटी थी और मैंने फर्स्ट पे इसे रखा था और मुझे फर्स्ट पे इसे मिल गया तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे एल सी वन को चूज कर लेते हैं टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली बहुत सारे बच्चे सी एल सी को चूज कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे एल सी टू को चूज कर लेते हैं और इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता ये जो वेबसाइट है दोस्तों ये लॉ फैकल्टी की हमारी वेबसाइट है इनफैक्ट यहां पे जो आप फोटोज देख पा रहे हैं Uh, ये मेरे ही क्लासमेट्स हैं दोस्तों ये सारे uh... और मैं भी बहुत सारे यू नो सोसाइटीज़ में पार्ट लिया एज अ अंग स्टूडेंट ऑफ लॉ सेंटर वन मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ में पार्ट लिया और वो मेरे आप व्लॉग्स देख सकते हैं आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा अब तो आप समझ चुके होंगे कि ये लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर ये सेम ही बिल्डिंग है इसी के अंदर ये ये चीज़ है ये कैंपस लॉ सेंटर की अलग से बिल्डिंग है अब डी ने फाइव ईयर लॉ भी इंट्रोड्यूस कर दिया इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले टू गैरी अमृतसरिया और तो और दोस्तों सी का पेपर जो है वो अब जानते हैं आप थोड़े टाइम में आने वाला है और इसमें हम आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं आ, मैं मेरी ऐप है मैंने लॉन्च की अपनी ऐप लर्निंग के नाम से और ये मेरा वेब पेज है जो आप बिल्कुल सामने देख पा रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज मेरे ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जैसे अगर आप इकट्ठे मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं ग्यारह मॉक टेस्ट आएंगे दोस्तों वो यहाँ पे आप एक ही एक ही भारी में मॉक टेस्ट सारे परचेज कर सकते हैं अगर आप सिंगल सिंगल करके करना चाहते हैं तो ये सिंगल भी आ जाएंगे ये विद डेट आते हैं बिल्कुल अपडेटेड मॉक टेस्ट होते हैं एक्सप्लेनेशन आती है सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन आती है आपका रैंक आता है आपने कितने कितना रैंक होल्ड किया और तो और बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे 75 क्वेश्चंस और 105 मिनट्स में ही ये मॉक टेस्ट आपको देने होते हैं एक्जैक्टली exactly सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे या आपकी मर्जी है जैसे मर्जी आप परचेज कर सकते हैं फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा आपको और अगर आपको लीगल अवेयरनेस और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस चाहिए वो भी मिल जाएंगी मेरे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ नहीं करना आपको जस्ट ये ओपन करना है इसमें ये डेमो क्लासेज है मेरी दो जो टोटली फ्री है आप कभी भी देख सकते हैं अगर आपको ठीक लगा इसमें आपको बहुत सारे और भी फीचर्स मिल जाएंगे अगर आपको ठीक लगे तो ये इस, इस कोर्स को भी आप परचेस कर सकते हैं क्योंकि सी यू का पेपर अब बहुत ज़्यादा दूर रहा नहीं है और यही यही टाइम है कि जब आ, आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देनी चाहिए इनफैक्ट इंग्लिश की क्लासेस भी हैं वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं ले सकते हैं जैसे भी आप ठीक समझें आप सब कुछ कर सकते हैं और कोई डाउट दोस्तों रह गया हो या कुछ आप पूछना चाहते हो मेक श्योर आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो टाइप कर दें या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें के यू एन डब्ल्यू आर अंडर स्कोर जीरो एट जीरो एट कुमार अंडर स्कोर जीरो एट जीरो एट वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट डी कर सकते हैं टेलीग्राम का ग्रुप भी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्री मॉक टेस्ट का ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी वहाँ पर ऐप पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं जो भी आपके डाउट हो इस वीडियो के लिए ये रखते हैं दोस्तों नमस्कार